पहले जब शुरुआत में मैं और प्रीतम तो गैंगस्टर के बाद हमारे टीम से एक्सपेक्टेशन म्यूजिक की काफी बढ़ चुकी थी, तो हम पहले डेढ़ महीने कोई गाने नहीं बना पाए क्योंकि हम एक हिट गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और हम खुद ही गाने बनाते थे, खुद ही रिजेक्ट करते थे। फिर बाद में लगा लेट्स मेक ए न्यू काइंड ऑफ म्यूजिक और ये एक नया यूनिक वे है स्टोरी नाइट करने का। ये मेट्रो में एक बैंड है, बैंड कंसिस्ट ऑफ प्रीतम, जेम्स, सोहम एंड सोहेल, और ये बैंड फिल्म का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये फिल्म में ये बैंड जो है कहानी को आगे लेके जाती है, ये एक सूत्रधार का रोल प्ले करती है पूरे फिल्म में। एक बैंड की जरूरत थी, पहले बैंड के लिए हमें साउंड डिसाइड करना था, फिर बैंड के लिए हमें लोग डिसाइड करने थे, बैंड में कौन कौन होगा, किस तरह की आवाज़ें होंगी, कौन कौन सिंगर होगा, नए सिंगर को ढूंढना, तो हमने काफ़ी मेहनत की है इस बैंड गाने के पीछे। आज आप जब देखेंगे सब चारों परफॉर्म करेंगे, हमारी मेहनत कितनी रंग लाएगी आप ही लोग बताएंगे। प्रीतम के मन से भी कांग्रेस क्योंकि आजकल एक और तरह का ट्रेंड है कि मल्टी स्टार का सके ये मैं ऐसे मल्टीपल स्टोरी फिल्म नहीं है, आपको इतने सारे तस्वीरें साथ में देख के लगता है कि शायद सबकी अलग अलग कहानी है, ऐसा नहीं है, सब एक कहानी का हिस्सा है। इनके सबके ज़िंदगी में शहर हीरो है, शहर ही विलेन है, और हम सबकी ज़िंदगी जैसा शहर हमारी रोज़ की ज़िंदगी को इफेक्ट करती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, एम्बिशन, सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारी ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट करती हैं। और जिस तरह से आज हिंदुस्तान में सारे शहरें जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से दुनिया करीब आती जा रही है थ्रू इंटरनेट, मेल, फैक्सेस, सबके थ्रू, लेकिन दिलों के बीच में जो है ना अभी भी दुनिया बढ़ते जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बड़े शहरों में ये बदलाव देखा जा रहा है। तो आई थिंक इन सारे कैरेक्टरों में एक बड़े शहर का प्रभाव है, एंड दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। फिल्म की स्टारकास्ट, आई वॉज वेरी लकी बिकॉज जिस वक्त मैं गैंगस्टर शूट कर रहा था उस वक्त ये फिल्म लिख रहा था, और उस वक्त शाइनी और कंगना, चूँकि मैं ऐसा शूटिंग कर रहे थे, मैंने दोनों कहानी सुनाई, तो शाइनी और कंगना की सबसे पहले कास्टिंग हुई। उसके बाद आई वॉज वेरी लकी, जो भी कैरेक्टर का अगेंस्ट मैंने नाम लिखा कि फलाना कैरेक्टर इरफान प्ले करेगा, ये कैरेक्टर के प्ले करेगा, आई अप्रोच देम एंड दे ऑल वे अवेलेबल, एंड मुझे मेरे ख्याल से दो तीन हफ्ते में पूरी कास्टिंग हो गई। रॉनी इज एन अमेजिंग प्रोड्यूसर, आई थिंक इज अ ड्रीम प्रोड्यूसर टू वर्क विद, इतना छूट, इतनी फ्रीडम, और जिस तरह से वो फिल्म को एक पोजिशनिंग देते हैं, वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म की मार्केटिंग करना, पोजिशनिंग देना, आई थिंक ही कुशन्स यू फ्रॉम एवरीवेयर, एंड इट वाज केक वर्क, बहुत, मतलब फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता नहीं चला। कई बार लग रहा था मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, किसी कुछ बताना नहीं पड़ा, सिखाना नहीं पड़ा, एक्टिंग करके नहीं, बिकॉज इतने सारे मजे हुए एक्टर थे, एंड मैंने काफ़ी सीखा इन लोगों से इस बार, एंड इट वॉज फन वर्किंग विद इरफान, कोंकणा, के शर्मन, कंगना, शाइनी, द पावर हाउस परफॉर्मेंसेज, यू विल सी, एंड यू नो आप कौन बेहतर है, कौन कम है, शिल्पा शेट्टी, आप मतलब इट वॉज आई कैनॉट कंपेयर से हु इज बेटर द फिल्म। ऑडियो रिलीज है आज आपकी फिल्म का, तो बैंड मेट्रो कितना जिंदा कर देती है फिल्म को? बैंड मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस फिल्म का, जिस तरह से हमारे नाट्य शास्त्रों में, जैसे पंडवानी में, नौटंकी में, भवई में एक नट नटी होता है, सूत्रधार होता है, कहानी को आगे लेके जाता है, तो ये एक स्टाइल हमने अपनाया है इस बैंड के थ्रू। बैंड टेक्स यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहानी को आगे लेके जाता है, ये मैं कहूँगा तो आपको समझ में आएगा, फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात, और बैंड फिल्म का बहुत इंटीग्रल हिस्सा है, इट्स नॉट ए गिमिक, बट विदाउट बैंड दिस फिल्म कैन नॉट हैपन, बैंड आपको फिल्म को, फिल्म की जर्नी में शुरू से लेकर अंत तक आपको बैंड लेके जाती है। एक यूएसपी बोल देता हूँ, फिल्म की यूएसपी, आई थिंक आप हर बार नई कहानी नहीं कह सकते, आप नई तरीके से कहानियों को कह सकते हैं, तो आई थिंक द होल पैकेज ऑफ दिस फिल्म, द वे द स्टोरी इज बीन टोल्ड, कैरेक्टर्स इतने रियल हैं, एवरीबॉडी इज गोइंग टू गो एंड रिलेट टू इट, एंड एवरी कैरेक्टर इज रियल इन इन सिटी, आपके आसपास ये सारे कैरेक्टर हैं, तो आई थिंक दैट इज द यूएसपी, बिकॉज द फिल्म इज सो रियल, इट टचेस यू एंड इट मेक्स यू क्राई, इट मेक्स यू लाफ, एंड इट हैज एन अमेजिंग म्यूजिक, इट हैज द म्यूजिक इज अहेड ऑफ टाइम, एंड इट विल ग्रो एंड इट ग्रोज इनसाइड यू। एक्सपेक्टेशन कोई फ्लॉप बनाने के लिए बनाता नहीं, हिट बनाने के लिए बनाते हैं फिल्म, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है। हाँ, फिल्म बनते बनते ऐसे थोड़ा डर तो लगता है कि हम वेदर द वे वी आर लाइकिंग द फिल्म, ऑडियंस भी लाइक और नॉट, उनको भी इतनी ही पसंद आएगी जितनी, ये डर तो कहीं ना कहीं अंदर हमेशा रहता है, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना और ऑनेस्टी से पिक्चर को बनाना और सच कहना। धूम में धूम मचाने के बाद प्रीतम आपके उसमें पांच लोगों को लेकर आ रहे हैं और लाइव कर रहे हैं। धूम मैंने गैंगस्टर में धूम मचाया प्रीतम ने,
अच्छा तो क्या कहेंगे लाइव कर रहे हैं वो पांच लोगों के अपने ग्रुप में? हाँ दिस इज द माई बैंड इज फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग लाइव हियर और हमने सोचा चूंकि बैंड बन गया है तो इस बैंड को इस फिल्म तक ही सीमित ना रखें, इस बैंड को फिल्म के भी आगे भी लेके जाएंगे और दिस बैंड विल बी देयर टू स्टे। ये फिल्म रिलीज होगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये बैंड इस फिल्म के जरिए फॉर्म हो चुका है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ और ये हम लोग गिग्स करेंगे, परफॉर्मेंसेस करेंगे, शोज करेंगे और ये बैंड आई थिंक इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, दिस बैंड इज गोइंग टू गो अहेड। फेवरेट गाना अब चुनना बहुत मुश्किल है, हम सारे गाने फेवरेट है मेरे इन दिनों, बहुत फेवरेट है अलविदा भी बहुत अच्छा है। आप मुझसे पूछना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैंने हमने सारे गाने जो हमने कुछ ऐसे नहीं कि हर फिल्मों में होता है ना आप दो या तीन गाने अच्छे बनाते हैं बाकी गानों में मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि आपके दो या तीन फिल्में देखिए क्या होता है, आप एक फिल्म में चार फिल्में नहीं परोस सकते, कभी नहीं चलती है, तो फिल्म इज वन फिल्म। क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रा में एक वायलिन बहुत अच्छा बजा दिया, किसी ने चेलो बहुत अच्छा बजा दिया, किसी ने पियानो बहुत अच्छा बजा दिया, लेकिन सब साथ में बजाने से अगर शोर हो तो फिर वो खराब लगता है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट टू यू नो टेल इंटरलिंग स्टोरीज एंड हैव ए वन स्टोरी, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट माय स्टोरी इज नॉट अबाउट डिफरेंट स्टोरीज, यू नो अलग अलग कहानियाँ नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, एक की जिंदगी दूसरे की से जुड़ी है, दूसरे की जिंदगी तीसरे की जुड़ी है, एक की जिंदगी में कुछ घटना होती है उसका असर दूसरे की जिंदगी में होता है, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, इट्स नॉट ए मल्टी स्टोरी फिल्म, इट्स ए वन स्टोरी वन फिल्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड।